योगेश जी, आपका एमएलएम के नाम से है? हाँ हाँ, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। और बाकी मैं म्यूट कर देता हूँ सर, किसी का कोई क्वेश्चन होगा ना तो आप मुझे रेज कर दीजिएगा, मैं फिर अपन वन बाय वन जो भी है कर लेंगे हम। ठीक है। तो QFX जो है बेसिकली हमारा फॉरेक्स ब्रोकर हाउस है और इंडिया में जो है 5 ऑफिसेज हमारे ओपन हो चुके हैं और दुबई के अंदर मेन कॉर्पोरेट हेड ऑफिस है। तो इंडिया का जो ये मेन फ्रेंचाइजी ऑफिस है वो जीरकपुर के अंदर है, चंडीगढ़ जीरकपुर। लगभग 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा एरिया है ये। और क्या होता है कि मैं समझता हूँ इस जूम में जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं वो नेटवर्क मार्केटर ही होंगे। तो होता क्या, अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस देखें तो मोस्टली जो कंपनीज होती है फॉरेक्स या क्रिप्टो करेंसीज के अंदर वो वेबसाइट बेस्ड ही होती है, राइट। तो ऑफिस दिखाने का मकसद बस मेरा यही है कि कहीं ना कहीं फिजिकल प्रेजेंस का होना किसी भी फॉरेक्स के अंदर नेटवर्क मार्केटर का या जो है या प्रमोटर है उसका स्ट्रक्चर है। और डिस्कस कर उम्मीद करता हूं आपको मेरा जो स्क्रीन है वो आपको दिख रहा होगा क्लियरली और वॉइस भी क्लियरली। क्लियर नहीं आ रही है, एक सेकंड। ब्रदर ये प्लीज आप मत कीजिए, जो भी लोग है ऐसे क्या होता है मीटिंग डिस्टर्ब होता है, ऐसे ऐसे मत कीजिए आप प्लीज। तो प्लीज अगर आपको नहीं सुनना है तो आप थोड़ा सा ये ऐसा मैनर होना चाहिए। तो अभी आ रही है क्या वॉइस? क्लियर, वॉइस क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है सर, स्टार्ट कीजिए। मैं स्टार्ट कर देता हूं थोड़ा सा, एक सेकंड। सर प्लीज ये कौन है सर, ये प्लीज इस तरीके मत करो, ये आपकी इंसानियत को दर्शाता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं सर। अगर आपको नहीं अटेंड करना है तो आप प्लीज यहाँ से आउट हो। एक्चुअली इनको मैनर्स नहीं सिखाया होता, मेरी माँ बाप इनको मैनर्स नहीं सिखाते कि किसी के मीटिंग में जाके ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। इनके माँ बाप का कसूर है, इनका कसूर नहीं है। एनीवे, तो दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है QFX ट्रेड लिमिटेड, राइट। QFX ट्रेड लिमिटेड बेसिकली फॉरेक्स के अंदर एक ब्रोकर हाउस है जो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये लंडन से रजिस्टर्ड कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम। और फिजिकल प्रेजेंस यानी कि मेन कॉर्पोरेट हेड ऑफिस की बात करें तो इनका दुबई के अंदर है, दुबई। और इंडिया में ऑलरेडी मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ऑफिस दिखाया जो इंडिया का मेन फ्रेंचाइजी ऑफिस है। अभी इंडिया के अंदर हमारे टोटल 5 ऑफिसेज जो है वो ओपन हो चुके हैं। जो आपको मैंने ऑफिस दिखाया वो जीरकपुर का मेन फ्रेंचाइजी ऑफिस है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मंडी में भी ऑफिस है जो कि इससे भी बड़ा ऑफिस है। और इसके साथ अभी आपको नोएडा में छोटा टेक्निकल ऑफिस, देहरादून में, उत्तराखण्ड देहरादून में इनका ऑफिस ओपन हो चुका है। और अभी रिसेंटली धर्मशाला में भी इनका ऑफिस ओपन हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्योंकि आपको एक चीज बताऊं कि QFX ट्रेड लिमिटेड जो है इंडियन कम्युनिटी के लिए ये स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट होने जा रहा है, NSE BSE लिस्टेड। तो ये आपको इंडिया में इस ईयर के एंड तक लगभग 20 से 30 प्लस ऑफिसेज आपको इंडिया में ही दिखने वाले हैं। इसके अलावा अफ्रीका के अंदर एक कंट्री आता है जिसमें घाना है तो घाना में भी हमारा एक ऑफिस है और नाइजीरिया में ओपन होने की तैयारी चल रही है। और जो मेन प्रायोरिटी पे अभी जो कंट्रीज है उसमें आप मलेशिया और यूएसए में भी आपको फिजिकल ऑफिस देखने को मिल जाएगा, राइट। तो QFX जो है एक नॉर्मल ब्रोकर हाउस के तौर पे काम स्टार्ट किया था, उसके बाद ये प्राइम ब्रोकर बने, राइट। प्राइम ब्रोकर मतलब आप ये समझ लीजिए कि QFX ट्रेड लिमिटेड एक नॉर्मल व्हाइट लेवल से प्राइम ब्रोकर में अपग्रेड होने का मतलब कि अपने नीचे ये ब्रोकरशिप भी दे सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे लोग QFX ट्रेड लिमिटेड से व्हाइट लेवल ब्रोकरशिप लेके काम भी कर रहे हैं, राइट। तो एक नॉर्मल व्हाइट लेवल ब्रोकरशिप से ये ऊपर उठ चुके हैं और बहुत खुशी होती बताते हुए कि लास्ट मंथ जो है 15 मार्च को ये लोग अभी LP बन चुके हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर अगर आप फॉरेक्स से जुड़े हुए हैं तो किसी भी एक बेसिक फॉरेक्स ब्रोकर हाउस से लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, राइट। तो अभी जो इनका अगला मिशन और विजन जो है वो एक्सचेंज बनने का है कुछ सालों में, और उसके बाद कुछ सालों में इनका इंटरनेशनल मार्केट में बैंक बनने का। आज टोटल कम्युनिटी की बात करें तो QFX के पास ऑलरेडी 65,000 से भी ज्यादा लोग हैं जो कि 28 कंट्रीज से भी ज्यादा लगभग 28 कंट्रीज से लोग मतलब इन्वॉल्व हैं QFX ट्रेड लिमिटेड के साथ। और नेक्स्ट मंथ दुबई में लगभग 70+ कंट्रीज से जो लीडर्स हैं, जो लोग QFX के साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 70+ कंट्रीज से नेक्स्ट मंथ हमारा दुबई के अंदर इवेंट है। वहां पे जो ऑफिस है, मेन कॉर्पोरेट हेड ऑफिस, उन सबका वहां पे विजिट है, वहां पे देखने आ रहे हैं, राइट। तो एक चीज समझ में आता है, प्रोफाइल की बात करें तो बहुत ही शानदार प्रोफाइल है, मिशन है और विजन है, और ऑलरेडी मार्केट में इसका एग्जिस्टेंस पहले से ही है। आज एज ए नेटवो मार्केटर जिस प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा वो प्रोडक्ट जस्ट अभी 4-4.5 महीने इन्होंने लॉन्च किया है पहले, और ऑलरेडी इनके पास मार्केट में जो ट्रेडिशनल में चीजें हैं सेल्फ अकाउंट और ट्रेडिंग को लेके वो ऑलरेडी इनका मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, जैसे कि बाकी के प्लान आते हैं सिर्फ इसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए ऑफिस खोल दिया और माहौल बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो एक चीज है जो डिस्कस कर लेते हैं, आज हम किसी भी मार्केट में डील करते हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, और फॉरेक्स की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट को अगर कंपेयर करें फॉरेक्स से, तो फॉरेक्स जो है हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मार्केट है इन तीनों को अगर कंपेरिजन किया जाए तो, राइट। तो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, 1 ट्रिलियन में लगभग 80 लाख करोड़ होते हैं, यानी कि 500-550 लाख करोड़ रुपए का व्यापार जो है एक दिन में फॉरेक्स के अंदर होता है। कितने ही बैंक और ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉरेक्स के अंदर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे QFX ट्रेड लिमिटेड जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ट्रेड के ऊपर जुड़ा हुआ है, ट्रेडिंग के ऊपर। एक चीज तो क्लियर ही है कि ट्रेडिंग आप किसी भी मार्केट में करते हो, ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा जो है वो बनता है, दिस इज द फैक्ट, ठीक है। लेकिन एक चीज और है कि ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है, कोई भी व्यक्ति चाहे ऐसे ट्रेडिंग करके पैसा नहीं जनरेट कर सकता। आपको उसमें बहुत सारी चीजों की जानकारियां चाहिए होती है, जैसे कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में करते हैं तो पर्टिकुलर उस करेंसी क्रिप्टो कॉइन का जो है टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस और फिर चैट पैटर्न, फिर ट्रेंड ऑफ द मार्केट, ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे QFX ट्रेड लिमिटेड आपके लिए ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता है। और जस्ट अभी इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। मैं खुद इस सिस्टम को प्रमोट कर रहा हूं और लगभग मेरा 16 कंट्रीज के अंदर नेटवर्क है, राइट। तो जो प्रोडक्ट है उसका नाम है बॉट प्रो। बॉट प्रो बेसिकली एक तरीके का जो QFX के प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनके द्वारा बनाया गया एक उनके एल्गोरिदम और स्ट्रेटजी को सेट करके बनाया गया एक फुल्ली ऑटोमेटिक बॉट है। अब यहाँ पे मैं वर्ड फुल्ली ऑटोमेटिक इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज एक बार अगर इसको सब्सक्रिप्शन फीस पे करके इस बॉट को अगर आप बाय कर लेते हैं, उसके बाद आपको कोई मार्केट का ट्रेंड नहीं देखना, आपने कोई एनालिसिस या स्ट्रेटजी या कुछ भी सेट नहीं करना है। आप अपने कैपिटल के ऊपर और प्रिंसिपल के ऊपर आप अपना प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो अच्छा खासा बना सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ऐसे बॉट जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है वो उसके लिए अब इसी 1 ईयर का फीस है इस बॉट ब्रो का, राइट। $100 1 ईयर का फीस है इस बॉट ब्रो का। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो आप इस बॉट ब्रो से अप टू 50% तक का प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं, राइट। 50% तक का प्रॉफिट जो है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि जो हमारा ट्रेडिंग है, किसी भी मार्केट में आप करते हो ट्रेडिंग इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक चीज ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है होता है आपका पोर्टफोलियो साइज, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, मतलब किस अमाउंट पे आप ट्रेड लेना चाहते हैं। आप चाहे किसी भी मार्केट में हो, आपका पोर्टफोलियो साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे QFX ट्रेड लिमिटेड ने आपके पोर्टफोलियो साइज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो है हमारा स्टैंडर्ड, सेकंड वन इज क्लासिक और थर्ड जो है हमारा प्रीमियम, राइट। तो स्टैंडर्ड में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति इस बॉट को बाय करने के बाद अगर वो व्यक्ति $100 से $499 के बीच में पोर्टफोलियो साइज मेंटेन करता है तो वो मंथली प्रॉफिट परसेंटेज जो है 15% के रेंज में आता है, राइट, अप टू 15% के रेंज में आता है। दूसरी बात, अगर आप $500 से $1,999 के बीच में अगर आप पोर्टफोलियो साइज मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे आप 25% अप टू 25% मंथली प्रॉफिट परसेंटेज के आप रेंज में आते हैं। वहीं किसी व्यक्ति ने अगर $2,000 एंड अबव का वो 50% अप टू 50% के रेंज में आते, तो यहाँ पे 15% से लेके 50% जो है आपका एक प्रॉफिट परसेंटेज रेंज है। यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है, राइट, कोई भी ऐसे ट्रेडर आपको ऐसे कमिटमेंट नहीं कर सकता हाई प्रॉफिट परसेंटेज की ट्रेडिंग के ऊपर आपको जो है 50-60% या 40% फिक्स ऐसे देंगे, नहीं, ऐसा दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप ट्रेडर है इस चीज को भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे जो बॉट प्रो है आपको मेंशन करके देता है, एक रेंज बना के देता है कि आपका जो उस पे हम इतना हायर परसेंटेज जो है आपका एक रेंज पे। एक क्वेश्चन आता है कि तो मिनिमम प्रॉफिट परसेंटेज हमें क्या निकल के मिलने वाला है अगर हम कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट करें, तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस और अकॉर्डिंग टू बॉट परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पे कुछ भी अमाउंट डालें, $100 डाले चाहे आप $1,00,000 डाले, कम से कम 5 से लेके 10% मंथली प्रॉफिट तो इतना बॉट हमारा आराम से निकाल देता है, राइट। सारा रिस्क मैनेजमेंट ये सब चीजें करके कम से कम 5 से लेके 10% डेफिनेटली ये बॉट जो है हमारा निकाल देता है। बाकी का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है या जो भी प्रॉफिट रहेगा दैट विल बी लाइव ऑन योर MT5 अकाउंट, तो हमें कुछ भी टेंशन की जरूरत नहीं है। मेटाट्रेडर 5 पे आपको जो है लाइव चीजें दिखने वाली है, राइट। तो 5 से 10% आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। अब जो मेजर है हमारा QFX बाकी से और किन पॉइंट में अलग होता है बॉट प्रो, पहली बात तो ये कि आप इंडिपेंडेंट है, आप अपने पैसे को विड्रॉल करने के लिए स्वतंत्र है और बिना किसी डिडक्शन के बिना किसी कंडीशन के आप जब चाहे तब आप अपना फंड जो है वो विड्रॉल कर सकते QFX से। ये सबसे बड़ी बात होती है, यहाँ पे कोई भी QFX आपके सामने कंडीशन नहीं रखता कि आप अपना कैपिटल विड्रॉल करेंगे तो आपको जो है डिडक्शन जो है वो भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जब चाहे तब पूरा का पूरा वर्ल्ड का पहला ये बॉट है जो कंपनी है जो आपको श्योर करती है कि देखिए जब आप पोर्टफोलियो साइज मेंटेन करेंगे तो ये लोग लाइव आपका ट्रेड लेते हैं बॉट के ऊपर, तो बॉट में कभी आपको नेगेटिव ट्रेड भी दिखेगा और पॉजिटिव ट्रेड भी दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे आपसे 1 मंथ का ये टाइम लेते हैं, हर 5 तारीख को आपको प्रॉफिट परसेंटेज का क्लोजिंग होता है, 6 तारीख को आपको मिलता है। तो पोर्टफोलियो साइज अगर किसी कारण से नेगेटिव भी जाता है, राइट, ये नेगेटिव किसी कारण पोर्टफोलियो साइज तो यहाँ पे है वो QFX ट्रेड लिमिटेड के द्वारा बियर किया जाता है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरा पोर्टफोलियो साइज टोटल पोर्टफोलियो साइज का 5% नेगेटिव 10% नेगेटिव दिखा रहा है तो वो सारा का सारा कौन बियर करेगा, QFX ट्रेड लिमिटेड अपने ब्रोकरेज से बियर करेगा, राइट। इवन आपका पोर्टफोलियो साइज 0 भी हो जाता है तो उस कंडीशन में भी QFX ट्रेड लिमिटेड जो है पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल है हमारे पोर्टफोलियो साइज के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप सभी लोग कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, आपने मार्केट में बहुत सारे बॉट्स यूज किए होंगे, इस तरीके का अश्योरेंस आपको कोई भी नहीं देता, बट QFX में हर चीज लाइव है। आप मैनेजमेंट CEO से एनी टाइम आप मिल सकते हैं, ऑफिस में आके बात कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इनके वर्ड्स की वैल्यू को कंसिडर किया जा सकता है, राइट। तो ये जो है बड़ा ही सिंपल $100 का फीस और यहाँ पे अप टू 50% का मंथली प्रॉफिट परसेंटेज जो है आपको जनरेट करके देता है, राइट। अब टाइप्स ऑफ इनकम की बात करें, आज अगर इस कॉन्सेप्ट को आप प्रमोट करें, इस बॉट को अगर आप प्रमोट करें तो बहुत ही जबरदस्त इनकम जो है आप ले सकते हैं। फर्स्ट जो इनकम है हमारा लेवल इनकम है, दूसरा रिवॉर्ड इनकम है, तीसरा क्लब इनकम है और फोर्थ जो है हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम है, राइट। लेवल इनकम की बात करें तो ये सारा कैलकुलेशन जो है वो $100 के ऊपर है, राइट। और ये बिल्कुल सिंपल जनरेशन प्लान है, 1 से लेके पूरे 30 तक का सिंपल जनरेशन प्लान है, राइट। सिंपल जनरेशन प्लान का मतलब आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि कहीं पे भी कोई भी बॉट एक्टिव होगा तो डेफिनेटली जो कमीशन है वो ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे जब बॉट एक्टिव होगा तो आपको 20% बॉट एक्टिवेशन से मिलेगा $20, सेकंड जनरेशन से $10, थर्ड जनरेशन से $5, फिर $3 और ऐसे करके पूरे 30 लेवल तक आपको इनकम मिलने वाला है, राइट। अब पहले दो, क्योंकि सिंपल जनरेशन प्लान है, हमारा कोई भी एक्टिवेशन होता है बॉट का तो वो ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसलिए छोटे से कंडीशंस भी रिक्वायर्ड है। तो पहले 2 लेवल का इनकम लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, राइट। अगर हम थर्ड लेवल ऑनवर्ड्स की बात करें तो थर्ड जनरेशन का इनकम लेने के लिए आपका तो डायरेक्ट जो है वो होना चाहिए, तो बॉट एक्टिव होना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। इस तरीके से अगर आपने फोर्थ लेवल का इनकम लेना है तो यहाँ पे आपके जो है 4 डायरेक्ट होने चाहिए, बट 2 आपने पहले कर दिए हैं, अब आपने नेक्स्ट 2 ही करने हैं, ये नेक्स्ट 4 नहीं है, राइट। तो यहाँ एक्यूमुलेटिव है, आप एक बार 10 डायरेक्ट कर देते हैं, आपका जो है सारा कंडीशन फुलफिल हो जाता है, राइट। सारा कंडीशन देते हैं और जितना भी लेवल इनकम है यहाँ पे भी कोई कंडीशन नहीं है, आप जब चाहे तब विड्रॉल करें और सारा का सारा इंस्टेंट इनकम आपको मिलता है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा रैंक और रिवॉर्ड इनकम, राइट। रैंक और रिवॉर्ड बहुत ही वंडरफुल इनकम है सिस्टम का, जिसमें 25 बॉट मैचिंग के ऊपर आपका रैंक मैनेजर होता है और आपको ₹8,000 के लगभग अमाउंट आपको दिया जाता है, $100, राइट। तो 25 बॉट मैचिंग, ये कैसे कैलकुलेट करता है, आप के किसी भी एक पर्टिकुलर टीम में 25 बॉट का बिजनेस होना चाहिए, $100 से मतलब टोटल 25 बॉट का बिजनेस आपके किसी भी एक लेग में होना चाहिए, बाकी के जो जितने भी टीम है उन सब का मिला के टोटल 25 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपका रैंक मैनेजर हो जाएगा और आप ₹8,000 का फंड प्राप्त करेंगे QFX ट्रेड लिमिटेड की तरफ से। नेक्स्ट जो है ऑन 50 बॉट मैचिंग आपको मिलेगा लगभग ₹24,000 का फंड और रैंक होगा आपका सीनियर मैनेजर। नेक्स्ट 100 बॉट मैचिंग के ऊपर आपको लगभग ₹40,000 का फंड मिलेगा और आप बनेंगे जोनल मैनेजर। नेक्स्ट 500 बॉट मैचिंग के ऊपर आप ईगल एग्जेक्टिव और ₹2,40,000 का आपको फंड जो है यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट जो है 1000 बॉट मैचिंग के ऊपर आप बनेंगे डबल ईगल एग्जेक्टिव और यहाँ पे ₹4,00,000 का आपको फंड जो है आपको मिलेगा। और 2000 बॉट मैचिंग के ऊपर आप बनेंगे सफायर एग्जेक्टिव और यहाँ पे $10,000 अप्रोक्सीमेटली ₹8,00,000 का फंड आपको मिलेगा। नेक्स्ट 5000 बॉट मैचिंग के ऊपर आप बनेंगे डायमंड एग्जेक्टिव और यहाँ पे ₹20,00,000 का फंड आपको मिलेगा, वो भी सिंगल शॉट में। नेक्स्ट 10,000 बॉट मैचिंग के ऊपर आप बनेंगे ब्लू डायमंड एग्जेक्टिव और यहाँ पे $50,000 का फंड अप्रोक्सीमेटली ₹40,00,000 का फंड जो है वो सिंगल शॉट में मिलेगा। आप एक चीज को नोटिस कीजिए कि यहाँ पे QFX सिर्फ कम्युनिटी पे काम कर रहा है, बॉट के कम्युनिटी पे, कहीं पे भी कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है कि आप जितनी भी कम्युनिटी बना रहे हैं उसका 25% या 30% का इतना इन्वेस्टमेंट होना ही होना है, नहीं। यहाँ पे सारा का सारा बॉट के ऊपर आपको ये रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा और वो भी सिंगल शॉट में। और एक बार आप कोई भी रिवॉर्ड अचीव करते हैं उसके बाद आपको अपलाइन या किसी को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका USDT आपके वॉलेट में प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो है 25,000 बॉट मैचिंग के ऊपर आपका रैंक होता है ब्लैक डायमंड एग्जेक्टिव और आपको $1,00,000 लगभग ₹80,00,000 का अमाउंट आपको मिलता है रेंज रोवर के लिए। नेक्स्ट जो है 50,000 बॉट मैचिंग के ऊपर आपका रैंक होता है रॉयल डायमंड और आपको लगभग ₹2,00,00,000 का फंड मिलता है पोर्शे स्पोर्ट्स कार के लिए। नेक्स्ट जो है 1 लाख बॉन्ड मैचिंग के ऊपर द एम्बेसडर और यहाँ पे 4 करोड़ रुपए का फंड मिलता है आपको बंगलों के लिए। नेक्स्ट जो है 2.5 लाख बॉन्ड मैचिंग के ऊपर यूनिवर्सल एम्बेसडर और यहाँ पे 8 करोड़ रुपए का फंड मिलता है रोल्स रॉयस के लिए $1 मिलियन। ये सब आपको सिंगल शॉट में मिलता है। नेक्स्ट जो है 5 लाख बॉन्ड मैचिंग के ऊपर आप बनते हैं क्राउन एम्बेसडर और यहाँ पे $2.5 मिलियन लगभग 20 करोड़ रुपए का फंड आपको सिंगल शॉट में मिलता है ये लेवल अचीव करने के बाद। नेक्स्ट जो है और लास्ट हमारा 1 मिलियन बॉन्ड मैचिंग के ऊपर आप बनते हैं द रॉयल किंग और यहाँ पे $5 मिलियन यानी कि 40 करोड़ रुपए का फंड मिलता है आपको लग्जरी विला इन दुबई के लिए, राइट। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है हमारे बोल सकते हैं कि 1 मिलियन जो है एक बहुत बड़ा फिगर है, नो डाउट, लेकिन अगर जिस तरीके से QFX अपनी चीजों को प्रमोट कर रहा है, देखिए बॉट का जो चलन है वो मार्केट में नया नहीं है, ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो वहां पे बॉट ऑलरेडी चल रहे हैं। तो जिस तरीके से जो तरीका है QFX का ग्राउंड लेवल पे चीजों को ले जाना, अभी हमारा पूरा का पूरा वेब सीरीज आ रहा है जिसमें हम लोगों को ट्रेडिंग को लेकर सिखाएंगे, पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है। तो वो सारा का सारा चीजें जिस तरीके से लेके आ रहा है, तो हम एक तो इंडिया सेंटर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में चीजों को फैला रहे हैं। तो हो सकता है 1 मिलियन बॉट मैचिंग को हमारे लीडर्स को टाइम लग जाए, लाइक 2 साल 3 साल, बट डेफिनेटली आप देखें कि QFX जो है बहुत ही कम समय में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा प्रेजेंस बना रहा है। और दूसरी बात, कभी भी यहाँ पे आप देखेंगे कि हो सकता है इसको थोड़ा सा टाइम लगे, बट लोग जो है मैनेजर, सीनियर मैनेजर, लीगल कंटिन्यूसली अचीव कर रहे हैं, तो इसको 2 से 3 साल लग जाए, बट डेफिनेटली जो हमारे लीडर्स हैं वो इसको अचीव करेंगे ही करेंगे, राइट। नेक्स्ट जो है वो क्लब इनकम है। QFX में आने के बाद हर व्यक्ति चाहता है कहीं ना कहीं क्लब इनकम में फटाफट आए, और क्लब इनकम में आने का मतलब ये है कि आपका यहाँ कंपनी से लगभग 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए का इनकम कहीं ना कहीं एक तरीके से फिक्स हो जाता है, जो अभी का सिनेरियो, राइट। तो क्लब इनकम के लिए कुछ आपने एक्स्ट्रा नहीं करना, जब भी लाइफ में आपका 3rd रैंक अचीव हो जाता है यहाँ पे, यानी कि 3rd रिवॉर्ड आप अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आपकी ID जो है ईगल क्लब में डाल दी जाती है, राइट। ईगल क्लब में डालने का ये मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में पूरी कंपनी का जितना भी बॉट एक्टिव हो रहा है वहां से ये 3.5% निकालते हैं और जितने भी ईगल क्लब अचीवर हैं उनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा डायमंड क्लब है। डायमंड क्लब में 3% निकाला जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा क्लब में यहाँ पे 2% और किंग क्लब में 1.5%। तो ये जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ेगा आने वाले टाइम में सिर्फ क्लब इनकम से, यानी कि कंपनी के रॉयल्टी इनकम से आपको मंथली हजारों डॉलर जो है आपको यहाँ से मिलने वाले हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। यहाँ के लिए कोई कंडीशन भी नहीं है और आप स्मूथली इनकम जो है यहाँ से रेगुलर इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जब कोई इन्वेस्टर बॉट बाय करता है, उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट वहां पे करता है, पोर्टफोलियो साइज मेंटेन करता है, उसके बाद 1 महीने बाद जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज उसका निकलता है वो 70% और 30% में डिवाइड होता है। यानी कि अगर मैंने बॉट बाय किया और मुझे अगले महीने $1000 का प्रॉफिट मुझे मिलता है, तो वो $1000 को 70% और 30% में ब्रोकर हाउस डिवाइड करता है, यानी कि 700 मुझे दिया जाएगा और 300 जो है पूरे कम्युनिटी में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम है ये भी बहुत शानदार इनकम और ये भी एक तरीके का रेगुलर इनकम है, यानी कि पहले जनरेशन से जितने भी लोग जितना भी प्रॉफिट बना रहे हैं उस प्रॉफिट का 12% आपको मिलता रहेगा, राइट। सेकेंड लेवल से 5% है प्रॉफिट का, 3rd जनरेशन से 3% है और 4th जनरेशन से आपका 2% है, राइट। तो इस तरीके से ये भी पूरे 30 लेवल तक आपको इनकम मिलना है, राइट। तो 30 लेवल तक आपको जो है तो ये इनकम मिलता है। एज ए नेटवर्क मार्केटर आप 30 लेवल के इनकम को समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त लेवल पे आने वाले टाइम में हमारा लीडर यहाँ से इनकम कर पाएगा, राइट। अब दोस्तों, अभी जस्ट हाल फिलहाल कुछ दिन पहले कंपनी ने एक और ऑप्शन दिया है, राइट, थोड़े इंटरनेशनल लीडर्स के डिमांड के ऊपर, जो कि सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है आपका कंपाउंडिंग का, राइट। तो कंपाउंडिंग यहाँ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं बॉट प्रो के अंदर, जहाँ पे ये $100 से स्टार्ट होता है, राइट। और जो कंपाउंडिंग पीरियड होता है वो आपका 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो एक चीज है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिएगा कि सपोज आप कहीं भी $1000 आप अपना इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी, मैं QFX की बात नहीं कर रहा, आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं $1000 और आपको ज्यादा नहीं 10% मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको उस $1000 के ऊपर मिलता है, तो आपका 1 ईयर में, राइट, वन ईयर में आपका जो $1000 है वो $3138 से भी ज्यादा में कन्वर्ट होता है। ये कंपाउंडिंग का पावर है, राइट। ये जस्ट एक मैं आपको जनरल कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, राइट। आप कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए $1000, यहीं पे अगर सेम सिनेरियो हम 2 साल के लिए कर दें, यानी कि आपने कहीं पे भी $1000 निवेश किए और आपको 10% मंथली आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है $1000 के ऊपर, तो अगर ये 2 साल के लिए आप कहीं पे भी निवेश करते हैं तो ये लगभग आपका $10,000 में कन्वर्ट होता है, लगभग 8 लाख रुपए में आपका कन्वर्ट होता है, आपका 80,000। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका जो है 3 ईयर के लिए अगर आप यही चीज इन्वेस्ट करते हैं $1000 जहाँ पे 10% मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट आए, तो आपका जो $1000 है वो $30,000 से भी ज्यादा में कन्वर्ट होता है, 24 लाख रुपए से भी ज्यादा में, राइट। और अगर यही 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो आपका $1000 जो है वो $3 लाख में भी ज्यादा कन्वर्ट होता है, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास जो है आपका ये अमाउंट बनता है 80,000 5 साल में। लेकिन ये एक कैलकुलेशन है, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने बहुत बढ़िया कहा है कि जो कंपाउंडिंग है दैट इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो ये कंपाउंडिंग का एक जनरल कैलकुलेशन है, आप भी जाके इंटरनेट पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग का ऑप्शन QFX का देने का मकसद आप ये समझिए कि हमारा जो बोर्ड का परफॉर्मेंस रहा है हर मंथ कहीं ना कहीं 15% से लेकर 29% तक कहीं ना कहीं ये जाता है, राइट। जो मैक्सिमम रहा है वो 29%। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है हमारा $1000 के ऊपर 10% है। अगर कोई व्यक्ति बॉट के अंदर कंपाउंडिंग के साथ जाता है, वो किसी भी पीरियड के साथ जाए, तो ये जो परसेंटेज है हो सकता है किसी महीने उसको 5 देखने को मिले, 3 देखने को मिले, लेकिन आने वाले टाइम में वो 50 भी दिख सकता है, 20 भी दिख सकता है, 40 भी दिख सकता है, राइट। तो यहाँ पे 10 से अगर करें तो इतना बड़ा जो है अमाउंट होता है और लोग जो है बहुत एक्साइटेड है कंपाउंडिंग को लेकर और ऑलरेडी लोग कंपाउंड में बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये एक जनरल कैलकुलेशन, और यहाँ पे कंपाउंडिंग के लिए कंपनी ने आपको जो लीडर्स है उनके लिए बोनस भी दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति आपके फर्स्ट जनरेशन पे कंपाउंड का प्लान लेता है तो जो बॉट का कमीशन है, रिवॉर्ड है, ये सब चीजें तो जल्दी रहेगी, लेकिन कंपाउंडिंग के अंदर जो डिपॉजिट है उसका भी आपको इनकम मिलता है पूरे 30 लेवल तक, राइट। तो फर्स्ट लेवल पे जो कंपाउंडिंग का डिपॉजिट होगा कंपाउंडिंग प्लान के अंदर, उस पे आपको 5% डिपॉजिट का मिलेगा, राइट। सेकेंड लेवल से 2% डिपॉजिट का, तीसरे से लेकर 10 तक 1% है डिपॉजिट का, और 11 से लेकर 30 तक 0.6% है डिपॉजिट का, राइट। तो ये कंपाउंडिंग का जो है एक ऑप्शन कंपनी ने डाला है। सो दिस इज जस्ट ऑप्शन, आपको अगर अच्छा लगता है तो जा सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल जो हमारा प्लान है उसके थ्रू आप व्हाट से प्रॉफिट परसेंट गेन कर सकते हैं। तो लास्ट में क्वेश्चन आ जाता है कि मार्केट में हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग बॉट, ठीक है, चाहे वो किसी भी मार्केट के हो, तो हमें QFX के साथ ही क्यों जाना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बोला कि मोस्टली जो कंपनीज फॉरेक्स के अंदर और क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आती है वो सब कहीं ना कहीं वेबसाइट बेस्ड होती है, राइट। वो सिर्फ वेबसाइट पे ही आते हैं, वो बताते हैं कि उनका ऑफिस कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कंपनी में आप देखेंगे कि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो ऑनलाइन ही बहुत ही जबरदस्त फेक एटमोस्फेयर क्रिएट करते हैं और लोगों को बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हर चीज लाइव है, आप यहाँ के MD CEO से ऑलरेडी मिल सकते हैं, और प्लान लॉन्च करने से पहले ऑलरेडी इनके पास एशिया, यूके एंड यूरोप के क्लाइंट्स ऑलरेडी इनके है, राइट। और मिशन और विजन दिखता है कि नॉर्मल व्हाइट लेवल से स्टार्ट किया और अभी जो है अपना खुद LP बन चुके हैं, राइट। और इंडिया में 5 ऑफिसेज है और कंटिन्यूसली आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखने वाली है। अगर प्लान के थ्रू भी आप जाए, PPT में भी, तो कहीं पे भी कुछ ओवर कमिटमेंट नहीं है, राइट। पैसे की पूरी सेफ्टी दिखती है कि आप जब चाहे तब विड्रॉल कर सकते हो, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज को लेके कहीं पे भी कुछ फेक कमिटमेंट नहीं है। तो इन सब चीजों को देखिए, आप खुद एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए चीजों को प्रमोट जो है वो किया जा सकता है। तो ये जो है मार्केटिंग प्लान QFX करा सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्लान का प्रेजेंटेशन दिया और आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी सारे लोग जो है आज की जूम मीटिंग में आए हैं और काफी सारे लोग हमारी टीम पर्सनल टीम से हैं और काफी सारे लोग इसमें जो है कुछ लोग जो है इसमें IPC इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल के भी लोग जुड़े हुए हैं। उनके थोड़े मन में कंफ्यूजन ये रह गया था कि बताया गया IPC के बारे में अपडेट, लेकिन यहाँ पे QFX का हो रहा था। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा QFX जो है ये एक रिकवरी के लिए मैंने ऑप्शन लोगों को रखा था कि जो लोगों का नुकसान वहाँ पे हुआ तो यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। आप अगर किसी का QFX प्लान से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर डाउट कंफ्यूजन है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन जिसका है तो ओनली फॉर QFX से रिलेटेड ही क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन करे, ना कि अदर बातों को लेकर। तो सर प्लीज जिसको भी जो भी क्वेश्चन करना है तो सर डायरेक्टली सर से बात कर सकते हैं। सर लाइव जो है अभी आप लोग के सामने है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करना हो फॉरेक्स से रिलेटेड और क्या नाम जो है ट्रेडिंग से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें आप हैंडल करके जो है एक एक करके क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लीज जिसको भी क्वेश्चन करना है कर सकते हैं। हाँ सर प्लीज, मैंने आपको वॉइस आपकी सब क्लियर नहीं आ रही है। मैं आपको प्लीज नेटवर्क इश्यू है क्या? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तुषार।